के गर्भ में है और पिंगे बजो देवताओं को आंखा ने दीखनो बंद और बने दीखनो बंद होने के बाद शांति बैठा है और भगवान को चिंतन करेगी भगवान माने बचाओ और ज्यादा प्रकाश है इन्हें धारो कम करो बेटे में भगवान के मैं अभी जो हूं और भगवान जार दीदी ने कहेगी हे दीदी अभी आ तारे बालका ने जल्दी जन्म दो क्योंकि ए यदि जन्म लही तो ही आंगो कल्याण आई नहीं तो ये गर्भ में चाहे लाखों वर्ष पड़िया रहे तो आंगो कल्याण को करो सके बीटे में दीदी के दो बेटा हो जन्म हो वह एक को नाम है हिरणाक्ष और एक हिरणाकश्यप हिरणाक्ष बाहर निकलते ही बड़ो तकड़ो है गर्भ में और हाथ में गदा लेर दौड़ाएगी मेरे हाथ कोई कुश्ती करे चारों पास है फिर दो चक्कर लगावे कोई भी नहीं मिले नहीं बिहिर को बेटे में वो जल में जाए और वरुण देव ने कहा कि मेरे हाथ थोड़ी कुश्ती करो महाराज वरुण देव कहने लगे भाई मैं तो अभी है क्यों बुड्ढो और मेरी तो हिम्मत है कौन ही धारा कुश्ती करनी और जिंगे मैं हिम्मत अवे बिंगे हाथ दे कुश्ती कर सको बोला नहीं मन तो हगड़ी पृथ्वी पर मैं फिर लियो तीनों लोका में कोई मिलियो ही नहीं मैंने बेटे में वरुण देव गए होगी तुम विष्णु कने जा और बे विष्णु तेरों युद्ध करी बंग मई सामर्थ्य है ये टाइम में वो भगवान विष्णु कने जाए तो भगवान विष्णु बिंगे हृदय में विराजमान है आई बात आपा भी की हिरणाक्ष जी सा हाँ आपा होता फिरा भगवान ने उन्ने बुन्ने हगड़ी मगर भगवान तो हृदय में बैठा है भगवान कुकर मिल सके बात अब बन विचार करोगी ओई तो भगवान मिले कौन है और इन सृष्टि के मैं आप पृथ्वी हगड़ो श्रेष्ठ है इन्हें यदि हूं छुपा लो तो भगवान ने आनो पड़ी दरबो जल में लिजार भी ने डबो दिया है और भगवान वराह रूप धारण कर भी ने बचार लिया है और बाद में भगवान के द्वारा एक तपड़ुई भी हिरणाक्ष की मृत्यु हुए और मांगो भाई जो हिरणाकश्यप हुआ भी ने बड़ो क्रोध आवे और वो भगवान वेर बांध ले और भाई वेर गए कि हूं भी हूं बदलो ले आप गए भाई को विष्णु इनका दरबो तपस्या करने जाए जे टाइम में सभी देवता विचार करे है यदि बन तपस्या पूर्ण कर ली तो वो आपने सबने बड़ो दुखी करी ओ विचार जे टाइम में सब देवता के मन में आयो तो देवता जी मिलर नारद जी प्रार्थना करे कि हे नारद जी हे ऋषि हो और संता वो काम ही ओई है कि दूसरा के दुख ने दूर करो इंगात्रबे हाथ जोड़ ले और हाथ जोड़ गया कि बिने बताओ बिने किते भेजन हूं भी हूं माने बताओ अगर पन तपस्या कर ली तो मारो काम जरूर बिगड़ जी ही बेटे में हिरणाकश्यप तपस्या करन खातर पार जाए और उन्हें नारद जी एक सुवटिया को रूप धारण कर दिए हम ही जार बैठ गए और ध्यान जो वो बाहर निकलेगी हूँ कि भगवान को चिंतन करूं कौन मन आ सकती दे सके वो विचार कर दो जाए और उन्हें हम ही सुवटियो बैठो बैठो विष्णु 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 जप करे और विष्णु बने वेरो कई देर तो उन्हें मुन्ने फिर मर को जय बुन्ने मुंह कर रवाना हुआ भी टाइम में शत्रु को नाम ले वो फुटो राजमहल में भूल गया हिरणाकश्यप और हिरणाकश्यप को जो ही राजमहल में जाए भाई पत्नी पूछे थे तो तपस्या करन गया हे पुठा कुकर आया बोले बाहर निकले तो बोले वाह जा भाई मेरे शत्रु को नाम ले हो कोई इनका तर अब सुख नहीं क्यों विष्णु को नाम ले हो जिना मेरे अब सुख नहीं क्यों इनका तर हूं तपस्या करन जू बोले नाम के लियो बोले वो विष्णु विष्णु गया हो बोले विष्णु 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 तारी के बोले तन रहा कौन मेरे भाई ने विष्णु ही मरायो है बाद में दो तीन मिनट ईर बड़ा बोले हूं भूल गई बसुटिया के नाम लियो हो बार बार पूछ है कर दे 108 बार नाम ले रहा दियो बिना
गैबो विष्णु विष्णु रटे हो, और जी टाइम में आ इतरंगी रात्रि में बंगी प्रसंग चले हो, बिंगे बाद में कह कि कयादू गए गर्भ की स्थापना हुए, और बी गर्भ में भी भगवान के नाम की वजह उजार एक बीज जो प्रकट हुए है वो ही प्रहलाद के रूप में प्रदर्शित हुए। अभी जो ही बहुत दूसरे दिन सुबह दिन उगे और तपस्या करने के लिए जाए और कहे कि जार आगे एक पर्वत पर बैठ और हजारों वर्षा तक ब्रह्मा जी ने प्रश्न करने खातर तपस्या करे कि ब्रह्मा जी ही सारी सृष्टि ने बनाने वाला है, इनका तरफ वो मन अमर कर दे। आ भाव तपस्या करे, इतनी कठोर तपस्या, और जो भी कठोर तपस्या ने हजारों साल बीते बीते में ही ब्रह्मा जी प्रसन्न जय, और ब्रह्मा जी बोले बोलो भाई के चाहो हो के मांगनो चाहो। वे कहने लगे बोलो हूं तो बस की नहीं मांगू, मन तो एक दे दो थे कि हूं अजर अमर और हूं की चाहू ही कौन, छोटो सो वरदान दोगे हूं अजर अमर। ब्रह्मा जी कहे बोले छोटो सो है ओई, और तो मेरे का नहीं कौन, क्योंकि हूं ही अजर अमर नहीं हो सकू, हूं ताने अजर अमर कुकर कर सकू। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने तो बोले थे के दे सको, मैं तपस्या हूं ही करी, बोले नहीं जो मेरे कने है बात चीज हूं तन दे सकू, मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। बोले तो मन ओ दो कि ना हूं दिन में मरू, ना हूं रात में मरू, ना बाहर मरू, ना मैं मरू, ना मन कोई पशु मार सके, ना मन मनुष्य मार सके, ना मन हूं अस्त्रो ना मरू शस्त्रो ना मरू। अंतिम में कह दियो बोलो ए सब छोड़ो, मर एक मन आ बात बताओ कि थारे बनाए कोई जीव हूं नहीं मरनो चाहिए, इतना वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई बहुत है क्या, आज तक ना तो मैं ईसा के ने वरदान दिया है, परंतु हूं तन दू क्योंकि तेरे जैसी तपस्या करने दूसरे करी नहीं है। इनका तर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी वरदान दे देगी तथास्तु जाओ, अरबो आप गए घरे आवे, और ग्रह आंदे राजपाट में चारों पास ऋषिया ने आदि ने संदेश भेजा दिया कि आज के बाद में कोई विष्णु को नाम नहीं जपे लो, कोई यज्ञ नहीं करे लो, जो कुछ है वो सारो मन ही लार दो, हूं राजा हूं ही तारो भगवान हूं, और मेरे ही नाम को स्मरण करो। पूरे सृष्टि के ऊपर गया कि इंद्र आदि सारा देवता ने वो जीत ले है, और किन भी भगवान को नाम लेने की अनुमति नहीं दी। बेटे में बंगे एक पुत्र जन्म ले, बिगो नाम बे प्रेम प्रहलाद राखा, चार बेटा अवे टोटल बहु हकलाऊ छोटा है बे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी ने पे हमेशा जद गले लगावे नहीं आप गए शरीर गए, बेटे में बने बड़ी आनंद की अनुभूति हो, बड़ो सुख मिले। अभी वो बालक धीरे धीरे थोड़ो सो मोटो हो, मोटो है दही भी ने भेजो बोले तू जा पाठशाला में पढ़न जानो है, आप गए गुरु जी है शुक्राचार्य जी बंगा चेला है और बंगा बेटा भी है, वे बंगो नाम है सन अमृत बने दोनों नहीं दे देगी, ये मेरे पुत्र ने थे पढ़ाओ थारे विश्वविद्यालय में, और भी विश्वविद्यालय में के पढ़ाई हुआ ये राक्षस ने राक्षसी विद्या ही खावे आई भागी पढ़ाई, ओ बने आशीर्वाद आपको पुत्र आशीर्वाद रूप में दे दे, अनेक प्रकार धन दिया कि धन चलान खातर धन दियो। अभी लिजार पे धीरे धीरे भी बालक ने पढ़ानो शुरू करे, और बालक के की भी कोई बात है हृदय में लागे नहीं, एक ही बात नहीं लागे बाली बे हुने तो भी की बात कोनी, चुपचाप खड़िया है मर बे राजा का टाबर ने के कह सका। एक दिन राजा आपके बेटा हूं मिलन खातर बीती विद्यालय में आवे, और बेटे ने गोद में ले और पूछे
कि बेटा तू सीखो की? बोले हाँ पिताजी हूँ। एक बात पक्की सी। बोले के सीखो? बोले हूँ सीखो हूँ कि इस संसार में जितना ही लोग है नहीं पे हकलाई, एक दिन ना सेनालो है और सत्य एक परमात्मा है, जिन्हें उन्दे कुंभे हकलाई मिटीर परमात्मा एक सत्य आ बात हूँ सीखो। बोले आकन सिखाई? बोले आ तो मने इति सीख ली। ओ नहीं कहोगी मन कण सिखाई बतावा नहीं पूरा इति सीख ली। बोले और के सीखो? बोले और ओ सीखो कि ए जितना भी संसार का लोग है बे अंधकूप वाले डाले है। बोले अंधा एक नाय है बिंग अनुसार है। बोले इस संसार में जितना भी प्राणी है बे है कि एक बार जो अंधा चले लाइन में, लाइन में आंधा एक दूसरे को डंडो पकड़े डर चाल बोग रहे डंडी अपंग हाथ में वह बाहर रास्तों दिखाना रहे पिन पकड़े डर चाल है और धीरे धीरे चालदा चालदा एक आंधो खड़म पड़ जाए और बेहगला ही रुक जाए आप अपनी जगह रुक कर गए कि भाई के यो पूछ रहे एक दूसरा हूँ इन बो जो खड़म में पड़े हुए बोग है की कौन है यो की कौन है यो रास्तों को नहीं साफ है अंधा रहो बहुत है हूं तो पड़ क्यों आने कने वो धीरे धीरे वो दूसरो आंदो विद्या हमारे पड़े बड़े रुके बोले के यो की कोनी के मार्ग साफ है आन दे गया आनी मन बतायो। धीरे धीरे हकड़ा हकड़ा आंदा खाड़े में पड़ जाए। बोले ए लोग संसारिक लोग भी हूं पिताजी जानो होंगे हकड़ाई आंदा है। एक बोलो बाप पड़े खाड़े में संसार ग्रस्त रूप खाड़े में और आपका बेटा ने भी बांगो कल्याण कौन वे कुकर वे बा कदे ही नहीं होते भी नहीं ले ले बांध बांध रही खाड़े में गेड़े गए ओ चीज हूं सीखोगी संसार भी बीत रही अंधड़े नए हूं चले है ओ संसार हकड़ो ही अंधांगे तिराई है समझदार कोई नहीं है। और क्रोध आयो और बन क्यों क्रोध आ रहा आप गए गुरु जी का भेद दो बेटा बने बुलाए बोले ना आओ हे मेरे बेटे में की सिखाओ? बोले मैं तो की नहीं सिखावा जी यार राक्षसी विद्या दूसरा नहीं कहवा आई नहीं कहवा और नई बात मैं की नहीं कहवा। बोले ओ के बात करे? बोले ए बात मैं नहीं सिखाई। बोले कोई ना कोई तारे इत देवता है मैं और जो ही मेरे बेटे ने गलत बात सिखावे हे पता लगा उनकर बने दांत रीना अश्वपू तो वापस चले आ जाए पर बेबी टापर ने ले गोद में और पूछे बेटा तुम क्यों सीखो आ बात बता दे इन बेबे कहने लग्या हूं तो आत्मशक्ति हूं। जी प्रकार जम्बेश्वर भगवान गुरु मंत्र में बतावे आपने पांच तत्व में लियो प्रकाश ना मेरे माई ना मेरे बाप अलख निरंजन आपो आप पन कह रहे हूं तो आप पे ही हूं हकलो की अलग निरंजन हूं ही हूं गए मन कौन सिखावे मन तो कने ही कौन सिखायो और अगर थाने सीखना है तो हूं की सिखा सकू हूं ताने कहूं कि परमात्मा को नाम सिमरन करो और ए राक्षसी आने जो विद्या सिखाओ आ बात गलत है आते छोड़ दो। अभी बे विक्रोधी तय गया बोले ओ माने सिखावे? बोले कोई बात को नहीं धीरे धीरे सिखावा तापर के बुद्धि पर की लागे लो पे आपकी राक्षसी विद्या सिखाने हो बड़ा प्रयत्न करे। घणो समय बीत गयो एक दिन है टाबर आपके घर गयो राजमहल में पिताजी बने गोदी में लेर आपकी छाती हूं लगावे और लगार बेटा हूं पूछे कि बेटा अभी तुम कैसी क्यों बी टाइम में प्रहलाद जी गए कि हूं अब कल नौ बात सीख रहा हूं पिताजी। बोले नौ के बात सीख रहे हो? बोले नव दया भक्ति हूं नव दा व्यक्ति सीख गए हो पहला सुनो बजा भी ने चिंतन करो बाद में भी ने हृदय में ध्यान करो बिंगो बाद में सिमरन के द्वारा भी ने स्पष्टता करो इस प्रकार हूं
ए जो नौ व्यक्ति है बनाऊ पूर्ण तरह सीख है। जो यह बात बताई वे और चिड़िया बोले ओ बड़ो दुष्ट है, बुलाया बने बोले थे ने आई बात बैठा ना क्यों नहीं, वो गलत बात सीख है। बोले मैं तो कह रहा ओ तो किता की तू ओ तो मां नहीं सिखावे। बाद में बे बोले बेटा आपनो काम नहीं है ओ, और आपनो शत्रु है तू जिंगो नाम लिया है, आपनो काम तो है दूसरा ने तंग करनो। ए नवद्या भक्ति आदि ए तो ऊई बिना काम ये आदमी ने उन दो गेड़ में खातर है, उन दा रास्ता ले जान खातर है, इन खातर आपनो काम हो नहीं है। जो ही आ बात बने कई तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मेरा हृदय में तो प्रभु वो नाम जम गए, बिंगो नाम मैं स्पष्टता हूं जान लियो पकड़ लियो, क्योंकि मेरे हृदय में आ बात लागे है कि वे परमात्मा सब कुछ है। था नहीं हूं को हूं कि ते प्रपंच ने छोड़ दो और शरीर नाशवान है, एक दिन छूटी और बूझी ही थे, केवल भगवान को चिंतन करो बार बार। वे बाद में जो जम्बेश्वर भगवान आपने कई बार समझायो शब्द वाणी में बतायो विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, वे बार बार कह कि मैं तो इतो ही जानू हूं कि भगवान ने बार बार जप करनो और थे भी जपो, नहीं तो एक दिन आयु निकल जी छिन छिन आयु घटनती जावे मरण दिनों दिन आवे, एक दिन थारो समाप्त तो दिन आदि ही। प्रहलाद जी समझावे बने तो बने बड़ो क्रोध आयो है के विष्णु, बोले विष्णु सर्वव्यापक है, बोले ओ दुष्ट माने नहीं है आपका, सारा सैनिका ने बुलावा और बोले ने खत्म कर दो, क्योंकि आत के यदि कोई फोड़ो फुंसी है जर पलम चाल जे तो डॉक्टर के नहीं हाथ काटनो पड़ी, नहीं तो पूरो शरीर खत्म है जी, इन दो व्यक्ति जाए और डॉक्टर ने कह दे हाथ कटा दे, हाथ कटा ले हाथ कितो प्यारो है तो ही कटावे बित बा बात करे कि प्यारो मन तो घणो ही है मेरो बेटो, मगर इंगे रोग लाग गयो है, इनका दर इन्हें ना समाप्त करो, नहीं तो ओ ईसो रोग है जो हकला में फैल दी धीरे धीरे और कोई रुके लो नहीं, इन्हें खत्म करो। बेटे मैं बिने खत्म करन खातर बे सैनिक लोग ले जाए और कदे पहाड़ों गिरावे है, कदे जल में गिरावे है दबोने की कोशिश करे है, कदे भी मार पिटाई करे है, परंतु मांगे की असर नहीं है। बेटे में बे वापस ल्यार कहेगी ओ मारो कुकरी समाप्त नहीं हो, क्योंकि ओ तो मरना वाला है। बाद में पे संड अमृत गया कि देखो एक बार मैं और कोशिश कर लिया समझाने की, फिर एक बार माने आज्ञा दो। बेटे में बे वापस ले जाए है गुरुकुल में और गुरुकुल में लिजार बने शुरू करे समझानो बीते सम जो नहीं तो थारा मृत्यु थाने मार दे ही थारा पिताजी, मर बे की नहीं समझे। एक दिन संड अमृत की दे आपको कोई काम गेड़ा और विद्यालय के मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी है कि तो बेहकला टापरा ने बुला लिया, बोले रुको रुको कोई नहीं जाइए आज, जितना तक गुरु जी आवे तो खेल है कोई नहीं, मेरे कना हो हूं पढ़ाऊ थाने। हकला ने बिठा लिया लाइन में प्रहलाद जी और बिठाने और टापरा ने कहा देखो ओ संसार नाशवान है, एक दिन ओ समाप्त है नो है थे ही समाप्त जो, यदि ते भलाई चाहो हो तो भगवान को स्मरण करो और वो ही थाने भवसागरू पार कर। बार बार समझावे बोले यू लाभ के कौन है, जिस प्रकार तांतु भगवान है जम्बेश्वर भगवान समझावे बे प्रकार ही बे समझावे विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी साधे भक्ति उदाहरणो, देखो सर्वव्यापक परमात्मा है बिने जानो, जित किते भी जो कुछ देखो हो वो भगवान है बिने जान दो हृदय में और बिने हृदय में बिठा और बोले जिन जन बिने हृदय में बिठाया हा
भी सर्व व्यापक ने जाने हाँ बन मतलब जाननो क्योंकि आप कहा नहीं बन बोले बनन गयो है ताबरियो बहुत की जानन गयो है की हिखन गयो है बोला थे और बात ही गलो कि सर्व व्यापक परमात्मा हगले किते है और जन जन आ सही भक्ति ने साथ दी है वे भवसागरों पार आया है थे भी भवसागरों पार है जो बोले मैं तो समझा कि ई उम्र गया मैं धन कमानो चाहिए मैं तो आई हूं और भी हूं घना सुखी है वह बुढ़ापे में जार भक्ति कर ले बेटे में प्रहलाद जी कहने लगे देखो भाई आयु तो आई है सीखने की जो पहला बचपन में सीख लियो वो तो भवसागर पार है जीर जो बचपन में नहीं सीख पावे वो पार है ना देंगी कोई मन तो लागे नहीं कि वो ही भवसागर पार हो जी ए प्रकार बेबा ने समझावे है इतने में धीरे धीरे बाने कहने लगे देखो भाई अगर थारे हृदय में कमाने की उम्र है बातो अलग है कमाओ मगर कमाओ कहाँ खातर ओ शरीर एक दिन जानो है शरीर खातर ओ शरीर कमावे है परंतु मन बुद्धि ने भगवान खातर लगाओ बा मन बुद्धि थोड़ी इत की बिना की मिलनो है शरीर नहीं मिलनो है जो कुछ मिलनो है वो इन खातर शरीर ही करो जम्बेश्वर भगवान का हृदय नाम विष्णु को जपो आते करो टवाई अर्थ के है कि हृदय में केवल परमात्मा को नाम रखो मर ओ शरीर पंच भौतिक है इन्हें पंच भौतिक वाले काम में रखो मन और बुद्धि केवल परमात्मा में लगेड़ी रहनी चाहिए बने समझावर बोले बाद में थे काम करो बोले थाने ये बात की तुसी क्या दे इतनी सारी पढ़ो तो मारे हाथ नहीं होते